हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है उसे ही आज कंटिन्यू करूंगी, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। मैं भी इस टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते बहुत थक चुकी हूँ, काफ़ी लेंदी हो चुका है ये टॉपिक, क्योंकि इसके पार्ट्स जो है, ये चार टॉपिक्स दिख रहे हैं, इसके सब पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप भी इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में मैं थोड़ी लेंदी वीडियो ज़रूर हो जाएगी, लेकिन ये टॉपिक खत्म करूंगी। तो आज जो हमारा क्षेत्रवाद का एक पॉइंट बचा हुआ था, नए राज्यों की मांग, और धर्मनिरपेक्षता एक पूरा टॉपिक पड़ा हुआ है वो। तो धर्मनिरपेक्षता आप लोगों ने स्कूलिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल की पॉइंट्स मैं आपको दे दूंगी जिस पे आप आंसर राइटिंग कर सके। तो आज ये दोनों टॉपिक हम खत्म करेंगे, उसके बाद पीडीएफ मैं अपने सक्सेसमन पेज और टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे जीएस पेपर 1 का पॉइंट नंबर 9, और जो कि ये लास्ट पॉइंट नंबर 9 का ये पूरा सिलेबस आज लास्ट पार्ट 8 में खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले जो हमेशा ही एक बात कहती हूँ, वही चीज़ कि जो सब्सक्राइबर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है जिन्होंने और वो देख रहे हैं रेगुलरली, प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लग रही हैं, और जो एस्पिरेंट्स पहली बार मेरी चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे ही आपकी काम की बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लगातार आगे इन फ्यूचर आती रहेंगी और आ रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं जो हमने इसमें टॉपिक्स किए थे, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो देख सकते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 1-7 कितने सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। तो वो वहाँ पर प्लेलिस्ट में, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दिया हुआ है, हमारी हर वीडियो में दिया रहता है, तो वहाँ पर दिया हुआ है। ये सब हमने टॉपिक ख़त्म कर लिया था, ये आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके, काफ़ी लेंदी टॉपिक हो गया था, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे इसे पूरा कंप्लीट करने की। तो हम करेंगे नए राज्यों के गठन की मांग। इंडिया में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो अपने अंदर ही एक क्षेत्रवाद के लिए नए राज्यों के गठन की मांग कर रहे हैं, वो अपने एक पर्टिकुलर क्षेत्र को एक स्पेसिफिक दर्जा दिलाना चाहते हैं। ये जो मांग है ये भारतीय राज्य व्यवस्था में निरंतर ही उठती रही है, और जो जो नए राज्य किसी एक पर्टिकुलर राज्य से अलग होना चाहते हैं, मैं उन्हें उनके नाम आप लोगों को बताए हैं, तो इसके बारे में मैं डिटेल बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोरखालैंड की। गोरखालैंड, ये दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में गोरखालैंड की जो मांग है वो दशकों पुरानी है, बहुत दशकों से चली आ रही है। इस मुद्दे पर बीते 3 दशकों से कई बार बहुत ज़्यादा हिंसक आंदोलन भी हो चुके हैं। सर्वप्रथम जो पृथक गोरखालैंड की मांग की गई थी वो की गई थी 1955 में, तो ये आप ईयर याद रखेंगे 1955, और ये अखिल भारतीय गोरखा लीग ने उठाई थी। अखिल भारतीय गोरखा लीग ने गोरखालैंड की मांग 1955 में सबसे पहले उठाई थी। इसके पश्चात गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट जो हुआ था उसकी GNLF की अगुवाई में सुभाष घिसिंग ने पृथक गोरखालैंड की मांग की, तथा इस समय हिंसक आंदोलन भी हुआ, तो काफ़ी लंबे टाइम से गोरखालैंड की दार्जिलिंग प्रदेश में जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर मांग की जा रही है, और इसके कारण ही क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला है और काफ़ी ज़्यादा हिंसक आंदोलन इसके कारण हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोडोलैंड की। बोडोलैंड, इसकी मांग को लेकर भारत सरकार, असम की राज्य सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर्स फोर्स के मध्य 10 फरवरी 2003 को एक सहमति के आधार पर असम सरकार के अधीन राज्य के 4 जिलों के 3,082 बोडो बहुल गांव के शासन के लिए बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। मतलब कि जो मांग उठती रही है, पृथक राज्य का दर्जा तो इसे अभी नहीं दिया गया है बोडोलैंड को, लेकिन जो 3,082 बोडो बहुल गांव है उनको इन्होंने उनके लिए एक पृथक अलग कर दिया है, असम से बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद एक बना दी गई है, जिससे उनकी कुछ हद तक मांग को सपोर्ट किया जा सके। थर्ड हम बात करेंगे हमारी प्यारी दिल्ली, जो कि हमारी भारत की राजधानी है, उसके बारे में।
दिल्ली जो है आप सभी जानते होंगे इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है, तो ये अपने पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए हमेशा इसकी मांग उठती रही है। कानून व्यवस्था सहित जो कि अन्य मामले हैं वे दिल्ली सरकार को सौंपने की मांग, क्योंकि कानून व्यवस्था और ये सारी चीज़ें हैं जब ये सब केंद्र के अधीन आएंगी, क्योंकि ये पूर्ण राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, इस कारण से तो इसकी मांग काफ़ी दिनों से चली आ रही है। देखिए ये मांग कब पूरी होती है या नहीं होती। नेक्स्ट हम बात करेंगे हरित प्रदेश की। हरित प्रदेश जो है कि पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश से अलग करके नए राज्य जो कि हरित प्रदेश है, इसकी मांग की जा रही है और काफ़ी वर्षों से इसकी मांग उठाई जा रही है। इसके अंतर्गत जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है उसके 6 मंडल, कौन कौन से मंडल हैं, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा और अलीगढ़ के 22 जिले आते हैं। मंडल 6 है, जिले 22 हैं, तो ये सारे इसके अंतर्गत आएंगे जो कि हरित प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश से अलग होना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भागों में पाई जाने वाली संस्कृति भिन्नता भी अलग राज्य की मांग का एक बहुत प्रमुख कारण है कि पूर्व की संस्कृति काफ़ी अलग है उत्तर प्रदेश में और पश्चिम की संस्कृति उससे काफ़ी डिफरेंट पाई जाती है। इसके तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक दृष्टि से पूर्वी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा हरियाणा और राजस्थान से ज़्यादा सिमिलर है, मतलब कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा ये सब जो हैं ये राजस्थान और हरियाणा का कल्चर ज़्यादा फॉलो करते हैं, और पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है जैसे कि इधर हो गया बनारस, हो गया आजमगढ़, हो गया इसका एक पे साइड ये दूसरा कल्चर फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिथिला की। जो पृथक मिथिला की बात है वो अधिकांशतः मिथिला भाषी क्षेत्र की सीमाओं से लगे अल्प विकास वाले क्षेत्रों में उठती हुई आ रही है। भाषाई सर्वेक्षण के अनुसार इस क्षेत्र में जो तत्कालीन इस समय है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, संथाल परगना के 10 जिले यहाँ शामिल है, तो ये मेनली बिहार से रिलेटेड है मिथिला, जैसे कि आप लोगों को नाम से भी पता चल रहा है, तो ये मिथिला बिहार से अलग होने की मांग कर रहा है। अब इसमें से काफ़ी जिले जो विभाजित हो चुके हैं जैसे कि मधुबनी, समस्तीपुर में, भागलपुर, सुपौल, सहरसा, मधेपुर, भागलपुर में, और इसी तरह मुंगेर, पूर्णिया एवं अन्य जिले भी वर्तमान में कई जिलों में बढ़ चुके हैं, तो ये लोग अपने आप में एक मिथिला अलग राज्य की मांग कर रहे हैं बिहार से अलग होकर। नेक्स्ट हम बात करेंगे पूर्वांचल की। पूर्वांचल जो उत्तर भारत का एक भौगोलिक क्षेत्र है जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से मिलकर बनता है, आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है पूर्वांचल, पूर्वी भाग जो कि उत्तर प्रदेश का है, इसमें 3 विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित है। नंबर 1 होगा इसमें पश्चिम में अवध क्षेत्र, ऐसे ही पूर्व में भोजपुरी क्षेत्र और दक्षिण में बघेलखंड क्षेत्र। भोजपुरी क्षेत्र में बोले जाने वाली सामान्य भाषा है पूर्वांचल की। पूर्वांचल क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, मऊ, मिर्जापुर, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, सिद्धार्थ नगर और वाराणसी जिले आते हैं जो कि पूर्वांचल होने की मांग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से अलग होकर पूर्वांचल की मांग कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हरित प्रदेश की मांग की जा रही है जो कि पश्चिम की तरफ से अलग होना चाहते हैं, ये पूर्वांचल पूर्व की तरफ से अलग होना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से ही, अगर ये अलग हो गए तो उत्तर प्रदेश क्या बचेगा हमारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे तुलुनाडु। ये जो तुलुनाडु की मांग है ये कर्नाटक और केरल राज्य के मध्य एक समृद्ध क्षेत्र है, एक भिन्न भाषा तुलु के आधार पर उठाई जा रही है, तो भाषा के आधार पर एक राज्य की मांग की जा रही है। तुलुनाडु केरल और कर्नाटक के बीच का एक क्षेत्र है तुलु भाषा के आधार पर, और तुलु जो लोग होते हैं शेह कर्नाटक से संस्कृति रूप से भिन्न है, मतलब कर्नाटक की संस्कृति तुलु लोगों में नहीं पाई जाती है। कर्नाटक तथा केरल दोनों राज्य सरकारों ने तुलु संस्कृति को संरक्षित और प्रोत्साहित करने तथा पृथक राज्यों की मांग को देखते हुए तुलु साहित्य अकादमी का निर्माण किया है। उन्होंने क्षेत्रवाद की जो भावना है तुलुनाडु को लेकर ये ज़्यादा तूल ना पकड़े, इसीलिए कर्नाटक और केरल दोनों सरकार ने इस संस्कृति के संरक्षण और रक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
उन्होंने पृथक जो राज्य की मांग हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए तुलभ साहित्य अकादमी का यहाँ पर निर्माण किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विदर्भ, बहुत ही नून राज्य की मांग काफी दिनों से चल रही है जो कि महाराष्ट्र से अलग होना चाहता है। यहाँ पर कृषि की दृष्टि से जो विदर्भ है वो देश के पिछड़े इलाकों में गिना जाता है। यहाँ पर कृषि बहुत ही सीमित मात्रा में होती है, यहाँ अनाज का अभाव है, अच्छी फसल जो पैदावार का यहाँ अभाव है। यहाँ कर्ज संकट के कारण आप लोगों ने ज्यादातर सुना होगा किसानों की आत्महत्या मोस्टली विदर्भ क्षेत्र में होती है। लोग किसान आत्महत्या विदर्भ क्षेत्र किसानों की आत्महत्या के कारण चर्चा का विषय रहा है। अलग विदर्भ राज्य की मांग का कारण यहाँ जो विकास की अनुपस्थिति है ये भी क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ावा दे रही है। और यहाँ पर विकास भी नहीं हो रहा है, सांस्कृतिक और भौगोलिक भिन्नता भी यहाँ है महाराष्ट्र की तुलना में। महाराष्ट्र जितना ही मेट्रोपॉलिटन सिटी बनता जा रहा है बॉम्बे, और उतना ही विदर्भ वहाँ का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और पृथक जो विदर्भ राज्य की मांग के लिए समर्थकों द्वारा बहुत ज्यादा उग्र वहाँ प्रदर्शन भी किए जाते रहे हैं, आंदोलन भी किए जाते रहे हैं, तो काफी ज्यादा सरकार को इसके लिए क्षेत्रवाद की इस मांग को लेकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो क्षेत्रवाद का जो टॉपिक था यहाँ पर इस सब टॉपिक के साथ हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक की यहाँ बात करेंगे वो है हमारा धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता आप लोगों ने स्कूलिंग से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं स्कूल से ही, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसको 4 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। तो 4 सब टॉपिक्स जैसे हैं, और ये आप लोग यहाँ से तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, आप 11th क्लास की बुक में NCERT में देख सकते हैं धर्म निरपेक्षता का टॉपिक, वहाँ बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया गया है। तो वो चैप्टर आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो काफी कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे धर्म निरपेक्षता का अर्थ होता क्या है। नेक्स्ट धर्म निरपेक्ष राज्य क्या होता है। धर्म निरपेक्षता अलग है और उससे ही राज्य की डेफिनेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। भारत धर्म निरपेक्ष कैसे राज्य है उसके बारे में, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं हम वो देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे आलोचना, क्योंकि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है इसकी भी कई विद्वानों ने, कई जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उन्होंने आलोचना की है। तो वो किस आधार पर आलोचना की गई धर्म निरपेक्ष राज्य की भारत के, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ 4 टॉपिक्स हैं और 4 टॉपिक्स आज ही कंप्लीट करने की मैं यहाँ कोशिश करूंगी। चलिए सबसे पहला देख लेते हैं, अर्थ क्या होता है धर्म निरपेक्षता। तो ये बहुत ही इजी पॉइंट है, इसको तो बहुत ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। धर्म निरपेक्षता का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, धर्म से निरपेक्ष रहना, अर्थात कि धर्म के मामले में कोई भी हस्तक्षेप ना करना। कोई भी व्यक्ति होता है या समुदाय होता है वो जिस धर्म में आस्था करता है या जिस धर्म को मानता है उसे बिना बाध्यता के उसके अनुसार आचरण करने की छूट प्रदान करना ही धर्म निरपेक्षता कहलाती है। जो भारत है वो धर्म निरपेक्ष राज्य है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि धर्म निरपेक्ष राज्य क्या होता है। आप लोगों को जैसे धर्म निरपेक्षता का तो मीनिंग पता ही चल गया, उसी के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो कि धर्म निरपेक्ष राज्य क्या होता है। ऐसा राज्य जिसका कोई अपना धर्म नहीं होता तथा राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार होता है, उसे ही धर्म निरपेक्ष राज्य कहते हैं। तो आपको ये चीज अच्छे समझ में आ गई कि धर्म निरपेक्ष राज्य क्या होता है। धर्म निरपेक्ष राज्य के अंतर्गत जो नागरिक होते हैं राज्य के, उनको उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, ना कि ना धर्म के आधार पर। मेनली यहाँ धर्म निरपेक्षता का बात हो रही है तो सिर्फ धर्म के आधार पर, भाषा जाति यहाँ बिल्कुल अलग हो जाएगा। तथा धार्मिक मामलों में जो भी निर्णय होगा वो विवेकपूर्ण निर्णय होगा, किसी एक पक्ष को ध्यान में रखकर निर्णय नहीं किया जाएगा। और राज्य जो होगा वहीं पर सभी नागरिकों की स्वतंत्रता का सुनिश्चित करने के लिए वहाँ कार्य करेगा कि एक एक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार कार्य करने की छूट मिल रही है या नहीं। अगर छूट प्रॉपर तरीके से मिल रही है तो उस राज्य को हम धर्म निरपेक्ष राज्य कहेंगे। तो भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है क्योंकि भारत सभी धर्मों को आदर और सम्मान देना जानता है। भारतीय संस्कृति
जो प्राचीन लक्षण है वो यही है कि वो सभी धर्मों को अपने अंदर संजोए समेटे हुए है। यहाँ सभी नागरिकों को स्वतंत्र रूप से धर्म को मानने व उनके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। धर्मनिरपेक्षता जो है भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे में सम्मिलित है। अगर हम इसका संविधान का जो प्रस्तावना है वो देखें, प्रैम्बल, तो उसमें भी आप लोगों को धर्मनिरपेक्षता वर्ड मिलेगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो हमारा मूल ढांचा है वो भी धर्मनिरपेक्षता पर ही आधारित है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे है। तो ऐसे कौन कौन से प्रोविजन है जिसके अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सबसे पहला पॉइंट जो आप लोग जानते ही हैं, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे कि नेपाल एक हिंदू राज्य कहा जाता है, पाकिस्तान एक मुस्लिम राज्य कहा जाता है, इसी तरह भारत का कोई भी अपना एक धर्म नहीं है। संविधान के अनुसार भारत राज्य की दृष्टि में सभी धर्म एक समान है। कोई भारत किसी भी एक धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगा, संरक्षण नहीं देगा, उससे सभी धर्म को बराबर वो संरक्षण देगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता। तो भारत में संविधान द्वारा नागरिकों को ये विश्वास दिलाया जाता है कि उनके साथ धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो भारत की जो प्रस्तावना है वही धर्मनिरपेक्षता है, उसके अंदर ही धर्मनिरपेक्षता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है कि अगर हमारे प्रियम्बल में ही धर्मनिरपेक्षता है तो भारत तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है ही। थर्ड इसमें पॉइंट बात करेंगे, आप ये जो अनुच्छेद है इसको हेडिंग में लिखिएगा और फिर इसकी डिटेल दीजिएगा। ये मैंने सिर्फ एक ही लाइन में आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो आप अनुच्छेद एक तो पहले लिखिएगा कि अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 25 में क्या है, तो वो सब आप ऊपर लिख के हेडिंग बना के फिर उसकी डिटेल देना, तो इससे अच्छे मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। संविधान का जो अनुच्छेद 14 है उसके अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र में जो सभी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, नागरिक है, कानून की दृष्टि से एक समान होंगे। धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर उनसे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 14 क्लियरली धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में भारतीय अवधारणा को बताता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक प्रत्येक नागरिक को भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है। कोई भी नागरिक हो वो अपने धर्म को मान सकता है, वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च कहीं भी जा सकता है, उसे वहाँ जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अनुच्छेद 25 से 28 पूरे में धार्मिक स्वतंत्रता मूल अधिकार के रूप में बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सभी धर्मों को स्वतंत्रता प्राप्त होती है यहाँ पर। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को धार्मिक तथा परोपकारी उद्देश्य के लिए संस्थाएं स्थापित करने, उनका संचालन करने, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने, चल और अचल संपत्ति रखने, प्राप्त करने तथा ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रबंधन करने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर सभी धर्म एक समान है। यहाँ ये नहीं होगा कि ये पर्टिकुलर धर्म का है तो उसे पर्टिकुलर संपत्ति रखनी है या पर्टिकुलर कानून के अनुसार न्याय मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोगों के लिए सभी चीज़ें एक समान है भारत के अंदर। तो इसको ज़्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी जल्दी टॉपिक ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनुच्छेद 26, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, ये अनुच्छेद 26 के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, धार्मिक कार्यों के लिए जो भी व्यय किया जाएगा किसी भी व्यक्ति द्वारा, भारतीय नागरिक द्वारा, तो भारतीय संविधान द्वारा ये जो व्यय है ये कर मुक्त घोषित किया गया है। तो कोई भी धार्मिक कार्य के लिए अगर कोई खर्चा करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, तो वो खर्च कर मुक्त घोषित किया गया है भारत में। तो ये जो 7 पॉइंट्स है इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी आलोचना। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना जो प्रस्तुत की गई है इसके 4 पॉइंट्स हैं। जैसे कि धर्म विरोधी पहला पॉइंट, कुछ आलोचकों का कहना है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं मानते हैं कि धर्म निरपेक्षता धर्म विरोधी है, लेकिन भारतीय धर्म निरपेक्षता धर्म विरोधी नहीं है।
इसमें सभी धर्मों को उचित सम्मान दिया गया है। धर्म निरपेक्षता धार्मिक वर्चस्व का विरोध करती है, ये धर्म विरोधी होने का पर्याय नहीं होता। इसका मतलब है यहाँ पर कि जो धर्म निरपेक्षता मतलब है कि किसी भी धर्म धर्म की अवधारणा को मानना ही नहीं धर्म निरपेक्षता। यहाँ आलोचकों ने ये पर्टिकुलर आलोचना की है कि धर्म निरपेक्षता का मतलब होता है किसी भी एक धर्म या किसी भी धर्म को महत्व ही नहीं देना या उसका अस्तित्व ही नहीं है ऐसा मानना। तो ये थोड़ा सा हमारे जो हमारी एंशियंट चीजें हैं उसका विरोध करती है। तो इसके आधार पर भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना की गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर दिया गया है पश्चिम से आयातित। इसका मतलब है कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है इसके विषय में कहा जाता है कि ये पश्चिम जो कि हमारी यूरोपीय कंट्रीज हैं इधर अफ्रीका यूरोप यहाँ से ली गई है, अर्थात ईसाइयत से प्रेरित है, जो ईसाई धर्म होता है उससे प्रेरित है। लेकिन ये जो आलोचना की गई है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ मैं आलोचना का जो इसका क्यों ये सही नहीं है इसके बारे में भी बताना चाहूँगी और किस आधार पर आलोचना की गई है ये भी बताऊँगी आप लोगों को। क्योंकि भारतीय जो धर्म निरपेक्षता है प्राचीन काल से ही चली आ रही है, प्राचीन काल से ही यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्मों के लोग देखे गए हैं। तो ये नहीं, क्योंकि जब अंग्रेज भारत में आए तो उसी समय हमारी जो पश्चिम की जो संस्कृति सभ्यता थी वो इंडिया में आई, उससे पहले तक भी हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता चलती आ रही थी। तो ये हम नहीं कह सकते कि ये पश्चिम से आयातित है, ये हमारे देश में मौलिक ही है। नेक्स्ट बात करेंगे अल्पसंख्यकवाद। भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है वो अल्पसंख्यकवाद होने का भी आरोप यहाँ पर लगता है। मतलब कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी करती है, मतलब जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको ज़्यादा मान्यता दी जाती है भारत में। इस बात को कहकर भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना की गई है। इसके बारे में अगर हम सही बात कहना चाहें तो ये होगी कि ये जो न्याय जो भारत है ये धर्मनिरपेक्ष जो है वो न्याय के अनुसार है। ये जो आलोचक है वो अल्पसंख्यक अधिकारों को विशेष सुविधाओं के रूप में नहीं देखना चाहिए इन लोगों को। जैसे कि अल्पसंख्यक के अधिकार दिए गए हैं हमारे इंडिया में ओबीसी एससी एसटी को, जो भी अल्पसंख्यक अधिकार दिए गए हैं तो उनको ऐसा नहीं देखना चाहिए कि वो धर्म के आधार पर दिए गए, वो उनके अल्पसंख्यक होने के आधार पर दिए गए हैं, वो उनके धर्म के आधार पर यहाँ नहीं प्रदान किए गए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर अधिक हस्तक्षेप। कुछ आलोचकों का ये तर्क है कि भारतीय जो धर्म निरपेक्षता है वो उत्पीड़नकारी है, ये व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करती है। ये भारतीय धर्म निरपेक्ष के बारे में बहुत ही गलत धारणा होती है, क्योंकि भारतीय जो धर्म निरपेक्षता है वो धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाकर चलती है, वो धर्म के मामले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करती। और कुछ हस्तक्षेप की गुंजाइश थोड़ी बहुत अपने पास भी रहती है, लेकिन ये अपने पास इसलिए रहती है ताकि किसी भी तरह का भारत में विवाद ना देखने को मिले, चाहे वो अल्पसंख्यक के रूप में हो, बहुसंख्यक के रूप में हो, क्षेत्रवाद के रूप में हो, सांप्रदायिकता के रूप में हो। इसीलिए वो काफ़ी हद तक अपने पास अधिकार रखने की कोशिश करती है, बट वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करती। तो ये चार पॉइंट के आधार पर आलोचकों ने हमारे भारतीय धर्म निरपेक्षता की आलोचना की है, बट मैंने यहाँ साथ के साथ यह तर्क दे के उस आलोचना को साथ के साथ क्लेरिफाई किया है कि इसकी आलोचना ये सही नहीं है भारत की। भारत प्राचीन काल से ही एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में देखा गया है, तो इसलिए इस आधार पर इनकी आलोचना करनी बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आज हमारा ये टॉपिक पूरा काफ़ी दिनों से जो चल रहा था, मैं भी बोर हो गई थी पढ़ा के, आप भी पढ़ के बोर हो गए थे, तो आज ये एटलीस्ट ख़त्म हो चुका है। अब मैं जल्द से जल्द नया टॉपिक लेकर आऊँगी और आपका कोर्स फिनिश कराने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो लेकर आई हूँ उसकी आपकी नोटिफिकेशन आपके
मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, कहीं पे भी आपको उसी समय मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।